भारत में ऐसी कई रोमांचक जगह हैं जो न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि रहस्यमय भी हैं और वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली भी बनी हुई है, जिनके बारे में सुनकर आप उस स्थान के रहस्य के बारे में जानने या वहां घूमने के लिए और अधिक उत्साहित हो जाते हैं। ऐसी ही एक पहेली हिमालय में मौजूद रूपकुंड झील की है। पहाड़ों के बीच स्थित इस खूबसूरत रूपकुंड झील में एक अरसे से सैकड़ों नरकंकाल बिखरे हुए हैं, जो देखने में बेहद डरावने लगते हैं। साल के ज्यादातर वक्त इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है, तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। शायद इसीलिए रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ये झील हिमालय की तीन चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल चोटी के नाम से जाना जाता है, के बीच एक छोटी सी घाटी में स्थित है। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। चारों ओर से बर्फ और ग्लेशियर से घिरी यह झील लगभग 3 मीटर गहरी है। अपनी खूबसूरती और रहस्य के चलते यह टूरिस्ट को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। इस झील को साल 1942 में ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड ने खोजा था। इसके बाद नेशनल ज्योग्राफिक ने भी अपनी एक टीम भेजी और 30 नरकंकालों की खोज की। इस खोज से लेकर अब तक यहाँ सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं। कई वर्षों से वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया है और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। उनके सामने कई सवाल आए, जैसे ये कंकाल किन लोगों के हैं, इन लोगों की मौत कैसे हुई, ये लोग कहाँ से आए थे, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि ये झील कंकालों से भर गई। कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती अध्ययनों से पता चलता है कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य से अधिक थी। इनमें से ज्यादातर लोग मध्यम आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी। इनमें महिलाओं के भी कंकाल हैं, लेकिन बच्चों का कोई कंकाल नहीं है। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। रिसर्च में पाया गया कि ये अवशेष लगभग 1200 से 2200 साल पुराने हैं और उनकी मौत के बीच में 1000 साल तक का अंतर है। मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं, यानी एक ही परिवार का हिस्सा नहीं है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जेनेटिक स्टडी से पता चलता है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। इनमें से कुछ लोगों के जेनेटिक्स साउथ एशिया में रहने वाले लोगों के जैसे हैं, जबकि कुछ लोगों के जेनेटिक यूरोप में रहने वाले लोगों से मिलते जुलते हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन ये सभी मौतें किसी एक घटना में नहीं हुई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये सभी लोग देवी नंदा के गुस्से के शिकार हुए थे। कहते हैं कन्नौज के राजा अपनी रानी के साथ यहाँ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वह हिमालय में मौजूद नंदा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए जा रहे थे, जहाँ हर 12 साल में नंदा देवी के दर्शन की बड़ी महत्ता थी। कहा जाता है कि राजा ने दिखावे के साथ यात्रा की, जिसमें उसने ढोल आदि का इस्तेमाल किया। वहाँ के लोगों ने राजा को ऐसा करने से मना भी किया और कहा ऐसा करने से देवी नाराज हो जाएगी, लेकिन राजा नहीं माना और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। एक भयानक और बर्फीला तूफान आया। कहा जाता है कि आसमान से बड़े बड़े फुटबॉल के जितने आकार के ओले बरस रहे थे। इस घटना में कोई जिंदा नहीं बचा, क्योंकि दूर दूर तक सिर छिपाने की कोई जगह नहीं थी। राजा और रानी समेत पूरा जत्था रूपकुंड झील में समा गया। हालांकि इस बात को लेकर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ी दिलचस्प बात है, जब इन अवशेषों का एक्सरे किया गया तो इनमें से कई नरकंकालों के सिर में फ्रैक्चर होने की बात पता चली। इस जगह को लेकर मन में कई सवाल आते हैं, जैसे ये सभी कंकाल सिर्फ रूपकुंड झील में ही क्यों हैं? अलग अलग कालचक्रों में ये सभी लोग एक जैसे तरह से ही क्यों मरे? क्या यह जगह शापित है या फिर इसके पीछे कोई और प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है? आज के समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है और हमें दुनिया के कई सारे रहस्यों से रूबरू करवाया है, लेकिन रूपकुंड झील का रहस्य अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है और इन रहस्यों का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, नमस्कार।